तो दोस्तों आज हमारे किचन में बनेगी रसमलाई। तो कैसे घर में आप परफेक्ट रसमलाई बना सकते हैं, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। न ही यहाँ पर हमें बर्फ़ के पानी के शौक देने की ज़रूरत है और न ही कॉर्नफ्लावर ऐड होगा। तो दोस्तों अगर आपने सेम रेसिपी फॉलो किया तो आपकी भी रसमलाई ऐसे ही सुपर सॉफ्ट बनेगी। रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काउ मिल्क लिया है 1 लीटर, यानी कि गाय का दूध। रस मलाई को गाय के दूध से ही बनाइए। बफेलो मिल्क से मैंने कई बार बहुत पहले बनाया है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है क्योंकि उसका जो फैट है ना बहुत ही हाई कंटेंट होता है, तो रस मलाई हार्ड बनेगी। ठीक है जी, वैसे भी ज़्यादा जो है मिठाइयाँ काउ मिल्क से ही बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है और इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं और दूध हमारा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और ये देखिए दूध के अंदर जैसे ही एक बॉयल आएगा मैं यहाँ पर स्लो कर दूंगी फ्लेम को बिल्कुल, ये देखिए। और जैसे ही उबाल आया दोस्तों मैंने यहाँ पर विनेगर और पानी वाला मिक्सचर थोड़ा सा डाला है और आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा सा कड़ल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और बाकी बचा हुआ जो हमारा विनेगर और पानी है ये हम इस तरीके से डालेंगे। और इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आपको चलाना नहीं है और फ्लेम जो है यहाँ पर ऑफ होना चाहिए क्योंकि हमें बिल्कुल सुपर सॉफ्ट जो है वो छेना चाहिए। हमने ऐसे ही छोड़ देना है 1 मिनट। ये अपने आप देखिए 1 मिनट में सेपरेट हो गया है। दूसरी तरफ हमने एक जो है ना मसलिन क्लॉथ को पहले से रेडी रखा हुआ है, ये देखिए। ये आपको पहले से ही करके रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने पहले से नहीं किया तो दूध जो है ना वो गर्म है और छेना फिर आपका हार्ड हो जाएगा अगर आपने बाद में ये प्रोसेस किया। तो आपको एक स्ट्रेनर पहले से रेडी रखना है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको जो है ना 5 से 6 दफ़ा जो है इस तरह से पानी डालना है, वो इसलिए ताकि छेना जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। दूसरा जो हमने विनेगर डाला है उसकी खटास भी जल्दी से निकल जाए। तो चलिए ये देखिए निकल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको स्क्वीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से स्क्वीज़ करेंगे और इसी स्ट्रेनर के ऊपर मैं इसको जो है ना रख दूंगी। और मैंने इसके ऊपर एक वज़न चीज़ रखना है, आपको कुछ और नहीं करना है, बस एक मैंने शक्कर का जो डब्बा है ये 1 किलो का ये रख दिया है। चलिए बाद में मिलते हैं 10 मिनट बाद, जब तक हम जो है यहाँ पर रसमलाई के लिए दूध बना लेते हैं। तो दोस्तों रबड़ी नहीं बनती है, आप कहीं भी शॉप से रसमलाई ख़रीदिए, पतला ही दूध रहता है, रबड़ी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। तो दूध के अंदर हमें डाल देना है 1/2 कप शुगर। शुगर मैं टेस्ट करूँगी, अगर कम लगेगी तो मैं थोड़ा और डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने सेफ्रॉन डाल दिया, यानी कि केसर के कुछ धागे। अगर नहीं है केसर तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, ठीक है। एसेंस डाल दीजिए, एसेंस भी नहीं है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना लीजिए। इनको हम पकने देंगे, बस थोड़ा ही देर हम इनको पकाएँगे, हमें कोई इन्हें गाढ़ा नहीं करना है। केसर जैसे जैसे इसके अंदर पकेगा अपना कलर जो है वो छोड़ेगा। अगर मुझे थोड़ा सा डार्क कलर की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं 1 ड्रॉप इसके अंदर येलो कलर ऐड कर दूंगी। 4 इलायची है, इनको हम पीस करके डालेंगे। बस दोस्तों ये दूध हमारा रेडी हो गया है, हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और मैं इसके अंदर 1 ड्रॉप जो है ना कलर ऐड करना चाहूँगी, सिर्फ 1 ड्रॉप, ठीक है जी। तो ये हमारा एक काम हो गया है, इनको साइड में कर देते हैं। छेने को हमने सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए स्ट्रेनर पर रखा था। हैवी चीज़ रखने से इसका जो है पानी है वो काफ़ी निकल गया है, लेकिन छेना आपको पूरी तरीके से ड्राई नहीं करना है, आपको यहाँ हथेलियों से जो है ना इनको मसलना है। तो छेना आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही लाइट सा इसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। अब क्या करना है दोस्तों कि ये जो बड़े बड़े क्लॉट है ना, पहले हमें इनको ऐसे रफली तोड़ लेना है, ठीक है, ताकि हमें इनको मैश करने में आसानी हो। जो बड़े बड़े क्लॉट हैं ये जब आप एक बार तोड़ लेंगे तो फिर ये जो है ना बहुत ही ईजिली हैंडल होंगे। ये देखिए अभी आपके सामने ही जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फटाफट से बॉल भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो पहले हमने रफली इस तरीके से तोड़ लिया है दोस्तों, ये देखिए, और अब हम एक बॉल जो है फटाफट से बनाएंगे इसके बाद में। तो आप देखेंगे कि ये पूरा सिमट सा जाएगा, ये देखिए, देखा आपने, ये पूरा सिमटने लग गया, स्टार्ट में नहीं हो रहा था, बिखरा बिखरा सा था। अब हम एक किनारे ला करके इस तरीके से इनको मसलना शुरू करते हैं। चार से पांच दफ़ा आपको इस तरीके से मसलते रहना है, एंड में आपको मिलेगा बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ टेक्सचर। ये देखिए मेरे हाथों में ये चिपकना शुरू हो गया है, ये बिल्कुल राइट है। और अब हम इनको एक बॉल बना लेते हैं। दोस्तों मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड किया है और आपको भी नहीं ऐड करना है। अगर आपने कॉर्नफ्लावर डाला दोस्तों तो रसमलाई हार्ड हो जाएगी, ये बिल्कुल भी शीरे में जाकर नहीं टूटेंगी, मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने बहुत दफ़ा रसमलाई को एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों, 10-12 साल पहले, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने चैनल ज़रूर लेट से ओपन किया है, बट मैं एक राइट अपना जो है ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये हार्ड हो जाती है कॉर्नफ्लावर डालने से।
हाँ, अगर आपको कॉर्नफ्लावर डालना है तो आप भी हलवाइयों की तरीके से हर मिठाई में केमिकल का इस्तेमाल करिए। जो मार्केट में मिल तो जाता है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो हम वो ख़रीद करके क्या करेंगे दोस्तों। उसके डालने से रसमलाई जो है ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनती है, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन हम कोई कमर्शियल लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं कि हम वो केमिकल को ख़रीदने के लिए जाएँ, ठीक है जी। तो इसलिए आप जो है ना बिना कॉर्नफ्लावर के घर में रसमलाई बनाइए, अच्छी बन जाती है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम शुगर के अंदर 2 कप पानी डाला है और इसको हम मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों मुझे जो है ना अपने छेने के अंदर 1 ड्रॉप येलो कलर डालना था और वो मैं भूल गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर शीरे के अंदर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि रसमलाई के अंदर तक बिल्कुल येलो कलर पहुँच जाएगा। अगर आप छेने में डाल देते हैं तो फिर वो उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पूरा ही येलो हो जाएगा। लेकिन यहाँ शीरे में डालने के बाद भी 2 घंटे के बाद रसमलाई के अंदर येलो कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप प्लेन शीरे में रसमलाई को पकाते हैं ना तो फिर वो अंदर वाइट ही रहता है, मैंने ये सब देखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको जैसे समझ में आया आप कर लीजिए। अच्छा जी, ये जो शीरा बच जाएगा इसका क्या करेंगे? ये जो शीरा बचेगा इसको हमें फेंकना नहीं है दोस्तों, इसका भी हम रीयूज़ करेंगे। इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे अपने दूसरी वीडियो में, वो आपको मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। तो चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा। कैसे शीरे को इस्तेमाल करना है, हमें इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना है। ये वेस्ट थोड़ी हुआ है, ये तो बहुत ही आसानी से दूसरी रेसिपी में यूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों इन्हें हमें जो है ना 5 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाना है। मेरे लिड के अंदर देखिए यहाँ पर एक होल है, तो यहाँ से स्टीम इसकी निकल रही है, इसलिए ये बॉयल होकर बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये लिड नहीं है, अगर आप प्लेन लिड डाल रहे हैं अपने कढ़ाई पर, तो थोड़ा सा उनको खुला रखिएगा हल्का सा, ताकि वो उबल कर बाहर ना आए। अब ये देखिए 5 मिनट के बाद इन्होंने अपना शेप जो है ना वो होल्ड कर लिया है। अब ये हल्का सा मैंने चला दिया, अब ये नहीं टूट रही हैं क्योंकि शेप होल्ड कर लिया इन्होंने। अब 7 मिनट के लिए हमें इनको मीडियम की फ्लेम पर पकाना है। और आप देख सकते हैं कि इनका जो पानी है ना वो काफ़ी जल गया है, तो यहाँ पर हमें डाल देना है गर्म पानी। और ऐसा हमें 2 से 3 दफ़ा में करना है, मतलब गर्म पानी डालते रहना है। गर्म पानी मैंने ऐसा ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो बिल्कुल भी स्टॉप ना हो, वो कंटिन्यू चलता रहे। ये देखिए आप इनका साइज़ देखिए, किसी डबल सी हो गई है। तो 2 मिनट हम इनको और कवर करेंगे दोस्तों मीडियम टू लो फ्लेम पर। इस तरीके से 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। और यहाँ देखिए रसमलाई का साइज़ भी देखिए। और अब हम इनको ना स्पून से उठाएँगे और झारे के ऊपर ले लेंगे और वहाँ पर हम इनको हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे इस तरीके से, ताकि इनका जो पानी है ना शीरे वाला वो निकल जाए। जब भी तो ये दूध को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेंगी। अच्छा सा हमने दबा दिया है और अब हम इनको रख लेते हैं एक बाउल के अंदर। इनको हमें कोई शौक देने की ठंडे पानी में ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई हलवाई अपने यहाँ पर बर्फ़ रखता है, ठीक है जी। इनका आप ये देखिए, अगर मैं फ़ोल्ड करूँ तो ये फोल्ड भी हो जाएंगे, लेकिन इतना गर्म है कि मैं आपको नहीं दिखा सकती इनको टच करके। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारा ये बनाया हुआ दूध। अच्छा, दूध के अंदर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है ना शुगर और ऐड कर दिया था, क्योंकि ये रसमलाई का जो दूध है आपने देखा होगा थोड़ा सा मीठा रहता है, ठीक है जी। तो 1 ड्रॉप मैंने येलो कलर और मैंने डाला था थोड़ा सा शक्कर। अब इनको 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा करिए, उसके बाद सर्व करिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्पॉन्जी हो जाएंगी और ज़्यादा अपने अंदर दूध को अब्सॉर्ब कर लेंगी। मुझे अभी आपको इनको दिखाना है दोस्तों, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद मैं नहीं दिखा पाऊँगी, तो इसलिए मैं इनको आपको ना अभी दिखाती हूँ। इन्होंने जितना भी दूध अपने अंदर अब्सॉर्ब किया है मैं वो दिखा देती हूँ आपको। ऊपर मैंने पिस्ता डाल दिया है, आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए जितना भी इन्होंने दूध अपने अंदर लिया है वो मैं स्क्वीज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तोड़ करके भी दिखाऊँगी कि इमिजिएटली ये जो है ना दूध में जाने के बाद शीरे में से निकल करके पूरी तरह से ये येलो कलर अंदर नहीं हुई है, मगर इसके अंदर की जाल देखिए ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हुई है कि बड़े बड़े जाल बन गए हैं। और ये जाल अगर आई तो आपकी रसमलाई यानी कि सही बनी है। 2 घंटे के बाद में अंदर तक येलो कलर भी चला जाएगा। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।